नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष विश्वकर्मा आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सिलेक्शन मेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हम सभी लोग बिल्कुल बेहतर होंगे। और आज दोस्तों मैं जो प्राचीन भारतीय इतिहास का इंडस वैली सिविलाइजेशन का सेकंड पार्ट करने वाला हूं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो फर्स्ट प्राचीन भारतीय इतिहास से टॉपिक था वो था प्रागैतिहासिक काल, जिसे हम लोग प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। और इसके बाद जो सेकंड हमारा वीडियो लेक्चर था वो था इंडस वैली सिविलाइजेशन का फर्स्ट पार्ट, वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो आज हमारा जो है वो सेकंड पार्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले तो जो आपको मैंने बताया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का आज क्या है, सेकेंड पार्ट है दोस्तों। क्या है? सेकेंड पार्ट्स। इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यूज बनेंगे वो सारे आपको कराए जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों आज जैसा कि आप लोग जानते हैं लेखपाल परीक्षा बहुत नज़दीक है, और क्या कहते हैं पुलिस की भी नोटिफिकेशन आ गया है, और आपको बहुत ही ऐसे हमारे एमसीक्यूज हैं जो आपको दोनों एग्जामों में अच्छी सफलता दे सकते हैं। और भी आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की, तो उसके भी लिए हमारे एमसीक्यूज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो जो जिन स्टूडेंट ने अभी हमारे सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और शेयर करते रहे अपने दोस्तों के साथ, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और हम लोग अब चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि टेलीग्राम चैनल से आप सबसे पहले अगर नहीं जुड़े अभी तक तो जुड़ जाइएगा, इंस्टाग्राम से जुड़िएगा, फेसबुक आईडी से हमारे जुड़िएगा। और ये अभी तक यदि हमारे यूट्यूब चैनल में सिलेक्शन मेंटर नाम करके अगर नहीं सर्च किया, जल्दी से सर्च कर लीजिए। ये हमारे कोचिंग का नाम भी है और हमारे यूट्यूब चैनल का भी नाम है, और ये हमारे कोचिंग के फाउंडर हैं वीरज सर जी, ठीक है। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे आप लोग यूपी टेट की भी तैयारी कर रहे हों, सी टेट की भी तैयारी कर रहे हों, यूपीएससी की भी तैयारी अगर आप लगे हुए हैं, तो भी हमारे एमसीक्यूज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। और यूपी ट्रिपल एससी से जितने भी आपके एग्ज़ाम हो रहे हैं वो सारे एग्ज़ाम में आपके ये एमसीक्यूज आपके लिए हेल्पफुल होंगे दोस्तों, ठीक है। तो फिर आगे हम लोग चलते हैं और देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है। तो देखिए, सिंधुवासी सीसा का आयात कहाँ से करते थे दोस्तों, ठीक है। सिंधुवासी सीसा का आयात कहाँ से करते थे दोस्तों? तो पहला ऑप्शन आपके पास है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा पाकिस्तान और चौथा है ईरान। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, और जल्दी से अपने ऑप्शन की पुष्टि करिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होने वाला है, और हम आपको बताने वाले हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो ये लोग जो है सीसा का जो आयात करते थे वो ईरान से करते थे दोस्तों। कहाँ से करते थे? ईरान से करते थे। राजस्थान से भी सीसा का ये लोग आयात करते थे दोस्तों, सीसा का भी आयात करते, मगर ईरान से सबसे ज़्यादा आयात करते थे। इसके बाद राजस्थान से तांबे का आयात करते थे, राजस्थान से तांबे का भी आयात करते थे। दूसरी बात, अगर हम लोग पाकिस्तान से किसी भी चीज़ का नहीं लिया उन्होंने जो आयात करते थे, अफगानिस्तान का आपने नाम सुना होगा, अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान से जो व्यापार करते थे ये लोग जो है सीसा का भी और टिन का भी, ठीक है ना, सीसा और टिन का भी आयात ये लोग अफगानिस्तान से करते थे। अत्यधिक के रूप में यदि देखा जाए तो अफगानिस्तान से टिन का आयात करते थे, और अत्यधिक के रूप में सीसा का जो है वो ईरान से करते थे, और तांबे का जो है वो राजस्थान से करते थे। तो सभी लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन के बारे में, और चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन के बारे में। और सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि किस इतिहासकार द्वारा, देखिए किसी इतिहासकार का नाम पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत की प्रथम पूर्ण विकसित मतलब कंप्लीट डेवलपमेंट सिविलाइजेशन को सिंधु सभ्यता कहा, इंडस सिविलाइजेशन कहा, किसने नेम दिया है दोस्तों? तो पहला है दयाराम साहनी, दूसरा है राखल दास बनर्जी, तीसरा है मार्शल, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, चार ऑप्शन है। और जल्दी से अपने ऑप्शन की करिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, और हम आपको बताने वाले चार ऑप्शन में जो सही है वो है मार्शल। हमारे एक इतिहासकार थे मार्शल ने पूर्ण विकसित सभ्यता कहा सिंधु सभ्यता। दयाराम साहनी, इन्होंने किसकी खोज की थी? हड़प्पा की खोज की थी 1921 ईस्वी में दोस्तों, 1921 में। राखाल दास बनर्जी ने मोहन जोदड़ो की खोज की थी दोस्तों, मोहन जोदड़ो की खोज की थी एक साल बाद 1922 में मोहन जोदड़ो
की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। तो सिंधु सभ्यता मतलब इसका अर्थ होता है, सिंधु सभ्यता का अर्थ होता है, ये सिंधु सभ्यता का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि आप आपको बता दें कि ये सिंधु नदी के इर्द गिर्द इर्द गिर्द स्थल खोजे गए थे, स्थल प्राप्त हुए थे, समझ गए होंगे दोस्तों, प्राप्त हुए थे, इसी वजह से इसे सिंधु सभ्यता नाम दिया जाता है, ठीक है ना। और आपको बता दें कि जो पूर्ण विकसित सभ्यता थी, इसका जो समय था, जो पीरियड था, वो 2600 से बीसी से लगा करके 1900 बीसी का समय हम लोग मानते हैं, ये पूर्ण विकसित सभ्यता थी, ये पूर्ण विकसित सभ्यता थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, कि अश्व होने का प्रमाण मतलब घोड़े के होने के साक्ष्य हमें एविडेंस कहाँ से रिसीव हुए। तो पहला है लोथल, पहला क्या है लोथल और हड़प्पा, लोथल, दूसरा है लोथल और सुरकोड्डा, तीसरा है लोथल और बनवाली, और चौथा है लोथल और कालीबंगा। तो सभी लोग जानते हैं कि लोथल सभी में ऑप्शन में है, तो इसलिए कन्फ्यूजन में हो रहा होगा, मगर एक अगर आपको मालूम है तो आप सही आंसर दे सकते हैं। तो जल्दी से अपने आप आंसर की पुष्टि करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो सकता है। देखिए हमारे हिसाब से जो हम आपको बताने वाला सही आंसर बताने वाले हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आपका बी नंबर ऑप्शन दोस्तों सही होगा, लोथल और सुरकोड्डा, लोथल और सुरकोड्डा से हमें अश्व होने के प्रमाण मिले, अश्व होने के प्रमाण दोस्तों मिले। क्लियर हो गया होगा आप लोगों का ये क्वेश्चन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि वो कौन सा प्लेस था, स्थान था, जहां हमें याचना के साइट रिसीव हुए, ठीक है, याचना मतलब यज्ञ स्थल, याचना के साक्ष्य हमें एविडेंस रिसीव हुए। तो पहला ऑप्शन आपके पास मोहन जोदाड़ो और हड़प्पा है, दूसरा है हड़प्पा और बनवाली, तीसरा है लोथल और कालीबंगा, और चौथा है धौलावीरा। तो देखिए ये चार ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही होगा, जल्दी से अपने ऑप्शन की पुष्टि करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो दोस्तों अब हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसमें दोस्तों ऑप्शन सी सही होगा। देखिए लोथल और कालीबंगा दोनों जगह से हमें यज्ञ के प्रमाण मिले, परंतु आपको बता दें कि सात हवन कुंड अगर आता है, सात हवन कुंड अगर पूछता है, तो इसके साथ आपको कालीबंगा से मिले, और यज्ञ मतलब दूर दूर यज्ञ हमको प्राप्त हुए, इसलिए यज्ञ की बहुत सारी, और एक साथ सात हवन कुंड का मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, यज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे होंगे। और जैसा कि हम लोगों ने यह अनुमान लगाया कि ये प्राकृतिक देवता को मनाने के लिए ही इतने सारे एक साथ हवन कुंड का प्रयोग करके मौसम को साफ कर रहे होंगे, साफ करने से मानसून को लाने की कोशिश कर रहे होंगे, इसी वजह से सात हवन कुंड के साक्ष हमें कालीबंगा से प्राप्त होते हैं, और लोथल से हमें यज्ञ प्राप्त होते हैं, परंतु सात हवन कुंड के साक्ष प्राप्त नहीं होते। यदि सात हवन कुंड का नाम आता है तो आप सही आंसर कालीबंगा लगाएंगे, यदि आपसे यज्ञ पूछता है यज्ञ के प्रमाण कहाँ मिले, तो कालीबंगा है तो सही होगा, लोथल है तो सही होगा, यदि दोनों है तो ऑप्शन आपका पूरी तरीके से सी नंबर सही होगा कि लोथल और कालीबंगा से हमें यज्ञ के प्रमाण प्राप्त हुए। तो इस प्रकार चौथा क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट होता है दोस्तों। और अब हम चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। और पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कि पक्की मिट्टी के बने हल का प्रारूप कहाँ से प्राप्त हुआ। पक्की मिट्टी के हल, देखिए सबसे पहला ऑप्शन आपके पास कालीबंगा, दूसरा बनवाली, तीसरा लोथल और चौथा आपके पास मोहनजोदड़ो। ये चार ऑप्शन है आपके पास, और जल्दी से अपने ऑप्शन की पुष्टि करिए कि आपका कौन सा ऑप्शन सही हो पा रहा है। तो ठीक है, ये चार ऑप्शन में आपको हम बताने वाले हैं कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। तो इसमें जो सही होगा वो बी नंबर ऑप्शन सही होगा, बनवाली। अब बनवाली से क्या प्राप्त हुआ, पक्की मिट्टी के बने हल प्राप्त हुआ। और सबसे पहले ये स्थल है कहाँ, तो ये स्थल जो है कहाँ है दोस्तों, तो ये स्थल आपका बता दे कि हरियाणा
हरियाणा के हिसार जिले में, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है दोस्तों। समझ गए होंगे दोस्तों आप लोग, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और अगर ये पूछता है किस नदी पर, तो आप बताएंगे दोस्तों किस नदी पर, तो आप बताएंगे सरस्वती नदी पर, सरस्वती नदी पर, सरस्वती नदी पर दोस्तों। ये बात बिल्कुल आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। कब खोजा गया तो भी आप बता सकते हैं, कब, 1974 में आर एस बिष्ट द्वारा खोजा गया दोस्तों। ये बिल्कुल बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हम बता दें कि क्या क्या प्राप्त हुए। अगर साक्ष्य आपसे पूछता है कि कौन कौन से साक्ष्य आपको प्राप्त हुए, तो साक्ष्य में आप जैसे मिट्टी का बना हुआ हल, ये तो आप बताइए, तांबे की कुल्हाड़ी, इसके बाद नाली पद्धत का अभाव, यहाँ से हमें इस चीज़ के अनुमान मिले, कहाँ से, बनवाली से, ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। तो इस प्रकार ये स्थल के बारे में पूरी जानकारी आप लोगों को मिल गई होगी दोस्तों। और अब हम चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर, और 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है कि सैंधोकालीन जो मुहरे थी उनसे जानकारी किस चीज़ की हमें प्राप्त होती है। तो जल्दी से ये 4 ऑप्शन आपके पास में है, और जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो पहला ऑप्शन आपका जो सही है, पहला दिया हुआ है लिपि और धर्म के बारे में जानकारी, मतलब लिपि को इंग्लिश में स्क्रिप्ट बोलते हैं, धर्म वो रिलीजियस, फिर कमर्शियल नॉलेज, और ए बी दोनों, और स्थाप कला आर्कोलॉजिकल, ठीक है सॉरी स्थाप कला। तो ये आपके 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन सही है, जल्दी से बताइए इनमें कौन आपका ऑप्शन सही होगा, जल्दी से पुष्ट करिए बताइए। तो अब हम आपको बताने वाले हैं इसमें जो है सही होगा ऑप्शन सी नंबर सही होगा दोस्तों। लिपि और धर्म के बारे में जानकारी थी, व्यापारिक भी जानकारी थी कि किन किन देशों से हमारे व्यापारिक संबंध थे, ठीक है, कमर्शियल जो है रिलेशनशिप बने हुए थे किन किन देशों से, कंट्रीज से, वो इस जानकारी मुहरे हमें देती हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें ए और बी क्या कहते हैं, दोनों सही होगा दोस्तों। तो अब हम बात कर लेते हैं मुहरों के बारे में दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि जो मुहरे थी, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बेलनाकार मुहरे कहाँ से प्राप्त हुई, बेलनाकार मुहरे कहाँ से प्राप्त हुई। तो कहाँ से प्राप्त हुई का मतलब होता है कि ये कहाँ से प्राप्त हुई, ये मेसोपोटामिया से प्राप्त हुई, ठीक है। इसके बाद सर्वाधिक जो मुहरे प्राप्त हुई वो हड़प्पा से प्राप्त हुई, कहाँ से प्राप्त हुई, हड़प्पा से, ठीक है, हड़प्पा से प्राप्त हुई। इसके बाद आपसे बता दे कि मुहरे बनी हुई थी, तो मुहरे किन किन चीज़ों की बनी हुई, एक तो सबसे पहले हाथी दांत की बनी हुई थी, ठीक, दूसरी बात सिलकड़ी की बनी हुई थी दोस्तों, ठीक है ना, समझ गए होंगे आप लोगों। और इन पर जो चिन्ह थे वो किन किन चीज़ों के चिन्ह थे, जैसे सबसे पहले तो एक संगी पशु, मतलब कुबड़ वाला सांड, जिसे कहा जाता है, सैंधोकालीन का धार्मिक पशु था दोस्तों, कुबड़ वाला सांड, इसी की लोग पूजा करते थे दोस्तों। इसके बाद इसमें बकरी का भी चिन्ह था, भैंस का भी चिन्ह था। इसके बाद दोस्तों
बताया जाता है, मगर इतनी चीजों को हम ध्यान रखेंगे, भैंस का था, बकरी का, एक संगी पशु का था, ठीक है। तो इस प्रकार के ये पहचान थे, ये चिन्ह बनाए गए थे, सिंबल्स बनाए गए थे इसमें, ठीक है ना। पूरी तरीके से आप लोग जान गए होंगे, ठीक है। तो पूरी तरीके से हमने आपको कंफर्म कर दिया कि ये मुरे अगर आपसे पूछता है बनी किस रूप में बनी थी, रूप भी पूछ सकता है किस रूप की मुहरे थी, किस रूप की मुहरे थी ये भी पूछ सकता है आपसे। तो आप क्या बताएंगे, एक तो वर्गाकार थी, वर्गाकार, दूसरा, पहला वर्गाकार, दूसरा आयताकार, आयताकार थी, समझ गए होंगे आप लोग, क्या थी, आयताकार थी। तो इस प्रकार ये हमारा सिक्स क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और चलते हैं हम लोग सातवें क्वेश्चन पर। और सातवां क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है सातवां क्वेश्चन, कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस स्थान से पक्की मिट्टी के पाइप वाली नालियों के प्रमाण मिले, ठीक है। तो देखिए, पक्की मिट्टी के नालियों वाले प्रमाण है ये, तो फर्स्ट में है लोथल, सेकेंड में है कालीबंगा, थर्ड में है धौलावीरा, और चौथे में चिन्हुंदड़ो। तो ये चार ऑप्शन है, और चार ऑप्शन में जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों, तो जल्दी से बताइए। तो आपका ऑप्शन सही होने वाला है दोस्तों चिन्हुंदड़ो, चिन्हुंदड़ो, ठीक है। चिन्हुंदड़ो जो है से हमें पक्की मिट्टी, क्या है, पक्की मिट्टी के बने पाइप की पड़े हुए थे, पक्की मिट्टी के बने थे पाइप, और वो नालियों के रूप में, मतलब पानी के निकास के लिए इनका प्रयोग किया गया था, वो चिन्हुंदड़ो से प्राप्त होता है। और अब हम लोग चिन्हुंदड़ो के बारे में दोस्तों देखते हैं कि चिन्हुंदड़ो उस समय का एक स्थल था, और वो कहाँ से प्राप्त हुआ हमें दोस्तों, तो इसके बारे में हम लोग जल्दी से देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि ये है कहाँ स्थित, कहाँ पर है दोस्तों, तो ये आपको बता दें पाकिस्तान में है। चिन्हुंदड़ो कहाँ है, पाकिस्तान में है, ठीक है, पाकिस्तान में है, सिंध नदी के बाएं तट पर स्थित है दोस्तों, ठीक है। इसकी खोज 1931 में मजूमदार ने की थी दोस्तों, ठीक है। आपसे यदि पूछता है ये सांच हमको क्या क्या मिले दोस्तों, तो सांच में आप सबसे पहले बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का सांच, बिल्ली का पीछा करते हुए बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का सांच, ठीक है। दूसरी बात, सौंदर्य प्रसाधन वस्तुएं, जैसे क्या क्या मिली, जैसे काजल, कंघा, सीसा, लिपस्टिक, सारी ये सौंदर्य प्रसाधन वस्तुएं हमको चिन्हुंदड़ो से प्राप्त हुई, ठीक है ना। तो पूरी तरीके से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और जैसा क्वेश्चन पूछा गया है, पक्की मिट्टी के पाइप वाले नाली, तो ये भी आपको प्राप्त हुआ है ना, पक्की मिट्टी के पाइप वाली नाली के प्रमाण। तो ये आप लोग नोट करते रहिएगा कि इतनी जो है वहाँ, मतलब इस स्थल से हमें इतनी इतने जो है सांच प्राप्त हो रहे हैं, ये कौन कौन से सांच, जैसे चिन्हुंदड़ो से बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का सांच, सौंदर्य प्रसाधन वस्तु में, और पक्की मिट्टी के पाइप वाली नालियों के प्रमाण। तो इस प्रकार हमें चिन्हुंदड़ो के बारे में जानकारी मिल चुकी है दोस्तों। और अब हम चलते हैं आठवें नंबर क्वेश्चन पर, और एट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे आठ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि सिंधु घाटी सभ्यता में किन स्थानों से हमें चावल की खेती के प्रमाण मिले। तो पहला ऑप्शन आपके पास मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है, दूसरा है लोथल और कालीबंगा है, तीसरा लोथल और रंगपुर है, चौथा लोथल और कोटदीजी है। तो ये चार ऑप्शन है आपके पास, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो रहा है, ठीक है। तो अब हम आपको बताने वाले हैं, इसमें जो है सी नंबर सही होगा दोस्तों, इसमें सी, लोथल और रंगपुर सही होगा दोस्तों। तो आपको मालूम होना चाहिए कि लोथल और रंगपुर दोनों जगह से हमें चावल की खेती के प्रमाण प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अब लोथल के बारे में देख लेते हैं, लोथल कहाँ स्थित है दोस्तों, तो लोथल आपको मैं बता दूं दोस्तों, जो है ये गुजरात राज्य में है,
गुजरात राज्य में है, ठीक है। भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है, किनारे है। दूसरी बात, आपको इसे कहा जाता है क्योंकि ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा का सबसे छोटा भाई है, तो लघु हड़प्पा भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और क्या कहा जाता है, और क्या कहा जाता है, लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है, मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आपको बता दूं इसकी खोज कब हुई दोस्तों, तो इसकी खोज हुई जाके किस कसन में हुई, 1954 में हुई दोस्तों, 1954 में हुई, और एस आर राव ने की, समझ गए होंगे आप लोग दोस्तों। इसके बाद आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, साक्ष क्या क्या मिले दोस्तों। तो साक्ष में सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में है, चावल का प्रमाण, ठीक। दूसरा, नाप तौल की वस्तु में नाप तौल का प्रमाण, आटा पीसने वाली चक्की, ठीक है। और मुख्य द्वार मतलब मुख्य दरवाजे सड़क की ओर खुलने के प्रमाण, ठीक है। एक कपल का जो है यहाँ पर हमें प्रमाण मिला, ठीक है। तो इस प्रकार जो है लोथल से हमें इतनी जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों, ठीक है ना। और इसके बाद अब हम रंगपुर की तरफ जाते हैं और रंगपुर में देखते हैं क्या क्या, रंगपुर कहाँ स्थित है। तो रंगपुर आपका बता दें हम कि रंगपुर जो है गुजरात के अहमदाबाद जिले में है, भादर नदी पर स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये है कहाँ पर रंगपुर, तो गुजरात के अहमदाबाद जिले में भादर नदी पर है। और यहाँ पर जो साक्ष मिला है यही इम्पोर्टेंट है, सिर्फ चावल का साक्ष ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ का चावल का साक्ष हमको मिलता है, चावल का साक्ष मिलता है रंगपुर से। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। और चलते हैं हम लोग 9 क्वेश्चन में, देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया सर्वाधिक बार, किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया। तो इसमें सबसे ज़्यादा पहला ऑप्शन कांसा दिया है, दूसरा लोहा दिया है, तीसरा तांबा दिया है और चौथा टिन दिया है। तो ये 4 ऑप्शन है आपके पास, और जल्दी से अपने ऑप्शन की पुष्टि करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो आपको हम बताने जा रहे हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों कांसा बनाना सर्वाधिक, क्योंकि कांसा में तांबा प्लस टिन का प्रयोग करके कांसा ब्रोंज बनाते थे लोग। तो तांबा कहाँ से लाते थे, तो राजस्थान से प्राप्त करते थे। और टिन कहाँ से लाते थे दोस्तों, अफगानिस्तान से टिन का प्रयोग करते थे। तो ये दोनों चीज़ों को मिला करके ये लोग जो है कांसा बनाना जानते थे। तो कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो निवासी थे, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा जो किस मेटल का यूज सर्वाधिक बार किया, तो वो कांसा बनाने का प्रयोग सर्वाधिक बार, मतलब सर्वाधिक यूज सबसे ज़्यादा कांसा बनाना ही जानते थे। इसलिए कहा जाता था सिंधु घाटी सभ्यता को एक कांस्ययुगीन सभ्यता दोस्तों कहा जाता था, कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता था, क्योंकि सर्वाधिक कांसा बनाना जानते थे इस वजह से। तो इस प्रकार हमारा जो है, और इधर देखिए जो बी नंबर लोहा है तो बिल्कुल काट दीजिएगा, कि लोहे का कोई यहाँ इशू नहीं था। लोहे का जो उपयोग होता है वो होता है जाके आपके उत्तर वैदिक पीरियड के अंतिम समय पर, ठीक है, पोस्ट वैदिक पीरियड पर। और तांबे की सबसे पहली खोज हुई थी, अगर धातु में सबसे पहला पूछा जाए तो तांबे की पहली खोज धातु के रूप में हुई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है और चलते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पर। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है कि कौन सी फसल का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता से हमें
प्राप्त नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको बताते कि सिंधु घाटी सभ्यता से नौ फसलों का जिक्र है, सभ्यता में नौ फसलों का जिक्र है दोस्तों। अब वो नौ फसलों में कौन कौन सी फसल थी, तो वो जल्दी से आप लोग, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो वो नौ फसलों के बारे में जानकारी आप बता सकते हैं, ठीक है। तो यदि अगर आप गेहूं और जौ के बारे में बात करें, तो गेहूं और जौ के तो बारे में आप जानते हैं कि कृषि के प्राचीनतम जो सांच मिला था वो हमें मेहरगढ़ से मिला था। कहाँ से मिला था? मेहरगढ़ से। तो ये दो फसलें तो होंगी, ठीक है। तो गेहूं और जौ इसमें ये और ये तो सही होगा। इसके बाद देखिए, चावल का भी प्रमाण हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिलता है। कहाँ से? रंगपुर से। और कहाँ से मिलता है? लोथल से, ठीक है। दो जगह से हमें प्रमाण मिलता है चावल का, तो ये भी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। देखिए, दाल आपको प्राप्त नहीं होगा, इसलिए इसको हम कैंसिल करते हैं। यही ऑप्शन आपका जो है गलत है, ठीक है। इसमें दाल का प्रमाण हमें सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं मिलेगा, तो ऑप्शन के रूप में ये ऑप्शन पूछा गया है क्वेश्चन में। सबसे पहले पढ़िएगा, हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो एक बार क्वेश्चन को सही ढंग से जरूर पढ़ना, क्योंकि गलत ना हो पाए आपसे, ठीक है। तो इसमें दाल ही नहीं है, ठीक है। खरबूजा भी है, तरबूज भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तरबूज भी है। ये सारा जो फसलें हैं, ये सारी फसलों का जो जिक्र है वो सिंधु घाटी सभ्यता में किया गया है। मटर का भी किया गया दोस्तों, राई का भी किया गया है, सरसों का भी किया गया है, है ना। मटर का भी किया गया है, राई का भी किया गया है, सरसों का भी किया गया है, ठीक है। इसके बाद जो है कपास का भी किया गया है। किसका किया गया है? कपास, क्योंकि कपास सर्वाधिक उत्पादन करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ठीक है। तिल का भी किया गया है दोस्तों। तो ये सारी फसलों का जिक्र जो है सिंधु घाटी सभ्यता, नौ प्रकार की फसलों का जिक्र हमें मिलता है। तो इस प्रकार ये 10वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और चलते हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पर। और क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि सिंधु सभ्यता के स्थलों का जिक्र जिस क्रम में उत्खनन हुआ है, मतलब खोजा गया है, उस निम्न स्थलों के संदर्भ में कौन सा क्रम ठीक है। तो इसमें पहला दिया है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल और हड़प्पा। तो ये देखिए, जो सी और डी ऑप्शन है उसमें मोहनजोदड़ो हड़प्पा और फिर मोहनजोदड़ो कालीबंगा, तो ये दोनों ऑप्शन आपके गलत होंगे, क्योंकि सबसे पहले तो हड़प्पा ही हुआ है। तो अब ये दो ऑप्शन आपके क्लियर दिख रहे हैं हमें, ए और बी में ही मिलान हमें करना है। तो हड़प्पा की खोज जो हुई थी दोस्तों वो 1921 में हुई थी, ठीक है ना, दयाराम साहनी द्वारा। और इसकी जो मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी वो 1922 में, एक साल बाद हुई थी। फिर अगर आपसे पूछता है लोथल, तो लोथल के बारे में बताइए, तो 1954 में खोज हुई थी, 1954 में। और कालीबंगा की खोज कब हुई? 1951 में। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि इसमें कालीबंगा, देखो इसमें ये 1954 दे रहा है 1951, तो ये भी ऑप्शन आपका ए गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये ऑप्शन सही होगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। ये क्रम आप लोग जरूर याद कर लीजिए, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल। तो इसमें बी नंबर ऑप्शन सही होगा, इसमें बी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा और लोथल। इस प्रकार हमारा 11 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और चलते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पर। और 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता थी नंबर फर्स्ट नगरी सभ्यता, दूसरा ग्रामीणी सभ्यता, तीसरा ए और बी दोनों, और चौथा कृषि प्रधान सभ्यता। देखिए, बहुत बच्चे ऐसा गलती कर देते हैं, ए और बी दोनों आ जाता है तो सही कर देते हैं तुरंत देख करके, कि यही अगर ऑप्शन में ए बी है, जल्दी तो ये ऑप्शन आते नहीं है ए और बी के, तो इसी वजह से कोशिश करते हैं कि ए बी दोनों सही होगा, है ना। तो इस प्रकार, और कभी कभी आ जाता है ये सभी, इसमें भी टिक मार देते हैं, ठीक है। तो ये गलती मत करिएगा, पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा, और अगर यदि आपने पढ़ा है सही ढंग से तभी आप आंसर दे पाएंगे, अन्यथा आप आंसर देने में बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देना। तो आपको बता दें, नगरी सभ्यता, इसमें चार ऑप्शन में नगरी सभ्यता सही है दोस्तों। नगरी सभ्यता मतलब सबसे पहले सिटी मतलब नगरों को खोजा गया था सिंधु घाटी सभ्यता में, इसीलिए कहा जाता है इस सभ्यता को प्रथम नगरी सभ्यता,
क्या कहा जाता है? प्रथम नगरी सभ्यता कहा जाता है दोस्तों। तो ये सभ्यता पूरी दुनिया में सबसे पहली नगरी सभ्यता या पहली शहरी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की थी दोस्तों, ठीक है ना। इससे पहले मेसोपोटामिया की भी सभ्यता थी दोस्तों, आपको मिस्र की सभ्यता थी, मगर वो मिस्र की सभ्यता ग्रामीणी सभ्यता के अंतर्गत थी। इसी वजह से हम लोग जो है मिस्र की सभ्यता को नहीं गिनते, इसलिए प्रथम नगरी सभ्यता के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता को स्थान देते हैं, ठीक है। गाइडन चाइल्ड ने अपनी पुस्तक में ये चीज को रखा था, ठीक है ना। तो इस प्रकार ही हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है और चलते हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन पर। और 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है दोस्तों? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल क्या था दोस्तों? अब आपको बता दे कि इसमें पहला ऑप्शन आलमगीरपुर, दूसरा ऑप्शन है आपके पास मांडा, तीसरा है सुतंगडोर और चौथा है दैमाबाद। तो आपको हम बता दें इस चारों ऑप्शन में, जल्दी से पहले अपने ऑप्शन को पुष्ट कर लीजिए आपका ऑप्शन कौन सही हो रहा है। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि उत्तरी स्थल जो था वो मांडा था। क्या था? मांडा। तो आपको अब हम बता दे रहे हैं, चित्र बना करके मैप के सारे आपको बताते हैं कि ये जो है ये पूर्वी स्थल था, ये पूर्वी स्थल था, और ये पूर्वी स्थल में आलमगीरपुर था। तो आलमगीरपुर कहाँ स्थित है दोस्तों? मेरठ में, ठीक है। और किस नदी के किनारे? हिंडन नदी के किनारे, हिंडन नदी के किनारे दोस्तों। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक। आपको अब उत्तरी स्थल के बारे में बता रहे हैं, उत्तरी स्थल। अब ये उत्तरी स्थल कहां था? ये था कश्मीर में। कहां था? कश्मीर में, ठीक है, जिसे कहते हैं हम लोग मांडा। और किस नदी के किनारे? चिनाब नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? चिनाब नदी किनारे। अब आ जाते हैं हम लोग पश्चिमी, ठीक है। पश्चिमी स्थल कौन सा था दोस्तों? तो पश्चिमी स्थल था सुतंगडोर था, ठीक है। और जो दक्षिणी स्थल था दोस्तों, दक्षिणी स्थल कौन सा था दोस्तों? दैमाबाद था, ठीक है। ये पूरी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अगर आप सुतंगडोर के बारे में, नदी के बारे में यदि जानना चाहते हैं, तो नदी दासक नदी थी दोस्तों ठीक है। तो इस प्रकार ये 30 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। पूरा एक्सप्लेन हमने कर दिया है आपको कि समझने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो कि उत्तरी स्थल कौन सा था, पूर्वी स्थल कौन सा था, दक्षिणी स्थल कौन सा था और पश्चिमी स्थल कौन सा था। तो इस प्रकार 30 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है और चलते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन में। क्या कह रहा है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, ठीक है। तो देखिए, पहला ऑप्शन कासा के औजार पर, दूसरा गेहूं और जौ पर, ठीक है, ये सी नंबर है, ठीक है, तांबे के लिए, और चौथा है कपास के लिए। तो देखिए, सबसे ज्यादा किस वस्तु का उत्पादन करते थे दोस्तों? कपास। कपास का उत्पादन वो सर्वाधिक करते थे, ठीक है, कपास का उत्पादन सर्वाधिक करते थे। कासे के औजार का भी सर्वाधिक करते, मगर कपास के लिए वो सर्वाधिक उपयोग करते थे, ठीक। कपास बनाना जानते थे, ठीक है ना दोस्तों, जानते थे। क्योंकि आपको मालूम है कि मोहन जोदड़ो से सूती वस्त्र का सांच हमें मिला था, सूती वस्त्र का सांच हमें प्राप्त हुआ था। इससे ये पता चलता है हम लोगों को कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास उगाना जानते रहे होंगे, मगर सर्वाधिक कपास के हमें एविडेंस रिसीव हुए। तो इसी वजह से हम लोग बताते हैं कि कपास उत्पादन करना सर्वाधिक जानते रहे होंगे सिंधुवासी या हड़प्पावासी लोग, ठीक है। तो इस प्रकार 14 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है, चलते हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन पे। और 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? सिंदूर का प्रमाण सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आपके पास रोपण है, दूसरा आलमगीरपुर है, तीसरा नौसारो है और चौथा चनहुंदड़ो है। तो ये चार ऑप्शन है आपके पास, और जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों, इसमें जो सही होगा वो नौसारो सही होगा, और नौसारो स्थल से हमें सिंदूर का प्रमाण मिला था। तो जिससे पता चलता है कि हिंदू धर्म के बारे में,
हिंदू धर्म के बारे में हमें पता चलता है दोस्तों, हिंदू धर्म के बारे में हमें पता चलता है नवसारों, ठीक है। नवसारों से हमें हिंदू धर्म के बारे में पता चलता है क्योंकि वहाँ हमें सिंदूर की एक डिबिया प्राप्त हुई, जिससे हमें ये पता चलता है कि उस समय के लोग हिंदू धर्म से संबंधित थे, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन में ये सी नंबर ऑप्शन सही होगा। और देखिए रोपण, रोपण आपको मालूम है कि ये पंजाब में है, आलमगीरपुर जो है उत्तर प्रदेश में है, चनहुंदड़ो जो है वो पाकिस्तान के सिंध नदी के बाएं तट पर स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा 15 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो आज ये हमारी एमसीक्यूज की जो सीरीज थी वो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सेकेंड सीरीज थी वो आज कंप्लीट होती है दोस्तों, ठीक है। जो भी डाउट्स हो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है, किसी प्रकार के। और सबसे पहले आप लोग जो स्टूडेंट ने हमारे अभी सेशन को लाइक नहीं किया, जल्दी से लाइक कर लें, शेयर करते रहें दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको वीडियो जल्द ही मिलती रहे, नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, ठीक है ना। तो अब हम लोग यही रखते हैं अपने टॉपिक को कम्प्लीट करने के बाद, अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।